सो गाइस वेलकम टू माय गुड फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि छोटी सी आई मशीन का स्टैंड अनबॉक्सिंग करके एंड सेटिंग करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं। इसमें जैसे हम देख सकते हैं चक्का वाला है और पैडल वाला भी आता है, गोली वाला जो रहता है वो भी आता है। इसमें क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं बैरिंग भी हैवी क्वालिटी का, जैसे मैं आप लोग देख सकते हैं गोड़ी वाला कुछ इस प्रकार से। इसमें बैरिंग का क्वालिटी जो रहता है जो सही नहीं रहता है, इसमें बेस्ट क्वालिटी का महंगा पौधा है, प्लस में इसमें वजन भी ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग को एक चक्का मिल जाता है, इसे आप किधर भी लेके जा सकते हैं। और उसमें क्या है कि आपको उठा के लेके जाना पड़ता है, पर इसे किधर भी ढकेल के आप लोग इसे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक पैडल मिल जाता है देखने के लिए, जिसमें भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैरिंग है और दूसरा में देख सकते हैं और भी जो रहता है उसमें क्या रहता है कि नट का बना दिया जाता है सिर्फ। इसमें देख सकते हैं बैरिंग है, इससे क्या होगा पिकअप ज़्यादा धरेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट भाग ये हो जाता है, जैसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग कुछ इस प्रकार से सेट करने के लिए नट वगैरह दे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी बैरिंग की क्वालिटी की बात की जाए तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की इसमें भी बैरिंग दी गई है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वायरिंग है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की वायरिंग होती है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ नट इस प्रकार से आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग को चक्का सेट हो जाएगा। उसका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊषा लिखा गया है पर एच इसमें गायब है। फिर ये सेकेंड भाग हो जाता है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट भाग के ले लेना, यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, जिधर चक्का कस आएगा वो आपका राइट हाथ में होना चाहिए, जो चक्का वाला भाग रहेगा जिसमें ये राइट हाथ में होना चाहिए। इसे एकदम जरूर ध्यान दें, हल्का सा इसे तिरछा करके सेट करना है, जो पहले यहाँ पर आप लोग समझ लिया। जब भी राइट हाथ में लेने के बाद आपको हल्का आगे की ओर वाला जिसमें नट रहेगा उसमें सेट करना है। एक पीछे भी इसमें आप लोग को हॉल मिल जाएगा, रुके भी बता रहा हूँ, जिसमें इसको यहाँ पर नहीं सेट करना है, आगे की ओर वाला में सेट करना है राइट तरफ करके। फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार से फिर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग को सेट कर लेना है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसे पूरा फुल टाइट कर देना है। 14-15 नंबर रिंच से आप इसे पूरा फुल टाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, आपके मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग को चक्का सेट कर लेना है, उससे पहले आप लोग को सेकेंड भाग को भी सेट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। राइट ये चीज़ ध्यान रखना आपको, जब भी रहेगा चक्का तो राइट हाथ में रहना चाहिए, और उसी के अनुसार इसे हल्का सा आगे वाला में आपको सेट करना है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग को सेट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को 14-15 नंबर रिंच से इसे पूरा फुल टाइट करके चक्का को कुछ इस प्रकार से आप लोग सेट कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा का क्वालिटी होता है पौधान में भी, जिसमें कितना होता है जो बहुत ज़्यादा पतला रहता है वो पूरा प्ले करता है, पर ये कुछ नहीं दिक्कत होगा। चक्का को पूरा फुल टाइट करने के बाद आप लोग को पूरा फुल टाइट करने के बाद चक्का को चेक कर लेना है कि प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा, जिसे मैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले मैं पूरा फुल टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको इसे भी सेट कर लेना है, जैसे हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग को इसे पूरा सेट करके पूरा फुल टाइट कर दे, कोई भी नट जो भी नट है सब नट को आप पूरा फुल टाइट कर दे। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं, जो बूंदा वाला पौधा में रहता है उसमें कंडीशन रहता है, पर इसमें कोई कंडीशन नहीं रहता है। इसे ये भी नेट रहे उसे पूरा फुल टाइट कर देना। मन में किसी भी तरह का आप लोग को कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिलाई मशीन से यूट्यूब वीडियो देखने के लिए मिलता है और मिलता रहेगा। चलिए एक बार रिवीजन कर देता हूँ, जिससे आप लोग देख सकते हैं इससे पहले कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको राइट हाथ में रखना है चक्का वाला भाग, उसको हल्का सा तिरछा करके सेट करना है, आगे वाला में सेट करना है। जब हाथ राइट हाथ में आप चक्का ले लीजिएगा तो फिर अगला जो हॉल रहेगा उसमें सेट करना है। चलिए वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिलाई मशीन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलता है।